बाहुबलियों की कहानी सीरीज में हमने अब तक 7 बाहुबलियों की कहानियां बताई। सभी माफिया गिरी से राजनीति में आए और माननीय बन गए। बाहुबली सीरीज के 8वें एपिसोड में आज बात गोरखपुर के बाहुबली हरिशंकर तिवारी की। इन्होंने ही राजनीति में अपराधीकरण की शुरुआत की और इसे स्थापित किया। माफिया से माननीय और फिर मंत्री बन गए। चुनाव हारा तो विरासत बेटे विनय शंकर तिवारी को सौंप दी। बेटे विनय फिर से चिल्लू पार विधानसभा सीट पर दावेदारी कर रहे हैं। आइए कहानी को एकदम शुरू से बताते हैं। 1970 का दशक चल रहा था। पटना यूनिवर्सिटी में चल रहे जेपी आंदोलन की आग गोरखपुर यूनिवर्सिटी तक पहुंच चुकी थी। छात्रों के नारे राजनीति में नई बुनियाद स्थापित कर रहे थे। यूनिवर्सिटी नेता बनने की नर्सरी बन चुकी थी। गोरखपुर यूनिवर्सिटी के नेता भला क्यों पीछे रहते, लग गए। उस वक्त 2 गुट थे, पहला हरिशंकर तिवारी का और दूसरा बलवंत सिंह का। हरिशंकर ब्राह्मण छात्रों के मसीहा बन रहे थे तो बलवंत ठाकुरों के। इसी दौरान बलवंत सिंह को मिले वीरेंद्र प्रताप शाही। यहां से बलवंत की शक्ति दोगुनी हो गई। 1975 में माइक से ऐलान होता था कि 12 बजे दोपहर से शाम 4 बजे तक कोई घर से नहीं निकले क्योंकि गोलियां चलेंगी। हरिशंकर तिवारी और बलवंत सिंह का गुट पैसा कमाने के लिए रेलवे स्क्रैप के ठेकों में पहुंच गया। यहां दोनों ने बढ़िया पैसा कमाया और हथियार खरीदे। दोनों गुटों के बीच कई बार गोरखपुर के बीच शहर में भिड़ंत हुई, गोलियां चली, निर्दोष लोग मारे गए। 30 अगस्त 1979 लखनऊ और गोरखपुर के छात्र संघ अध्यक्ष रह चुके कौड़ी राम विधानसभा सीट के युवा विधायक रविंद्र सिंह को गोली मार दी गई। उस वक्त सरकार में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष सत्य प्रकाश मालवीय मंत्री थे। रविंद्र के लिए तुरंत में स्टेट प्लेन की व्यवस्था की गई, लेकिन उसके पहले ही रविंद्र की मौत हो गई। इस तरह से ठाकुरों के नए नेता बनकर सामने आए वीरेंद्र प्रताप शाही। गोरखपुर शहर इन दोनों गुटों को अच्छे से जान गया था। अब वहां के लोग गोलीबारी से बचने के इंतजाम कर चुके थे। सरकारी व्यवस्था घुटने टेक चुकी थी। यहां अब दोनों की मर्जी ही चलती थी। वीरेंद्र अपने महाराजगंज में तो हरिशंकर तिवारी गोरखपुर में दरबार लगाते। लोग अपनी समस्याओं को थाने या कचहरी ले जाने की बजाय इनके दरबार में पहुंचते और तुरंत निपटारा हो जाता था। ये क्रम चल ही रहा था कि हरिशंकर तिवारी ने राह बदल ली। 1985 में हरिशंकर तिवारी जेल में बंद थे। माफिया से माननीय बनना था, इसलिए चिल्लू पार सीट से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर नामांकन कर दिया। हरिशंकर तिवारी के लोगों ने प्रचार किया, नतीजा आया तो हरिशंकर ने कांग्रेस के मार्कंडेय नंद को 21,728 वोटों से हरा दिया। देश में यह पहला मौका था जब कोई जेल के अंदर रहते हुए चुनाव जीता था। यहां से हरिशंकर तिवारी की शक्ति बढ़ गई। गोरखपुर के ही वीर बहादुर सिंह सीएम बने। उनकी आधी ताकत प्रदेश को संभालने और आधी गोरखपुर में माफियाओं को संभालने में लग रही थी। माफियाओं को कंट्रोल करने के लिए उन्होंने गुंडा एक्ट बनाया। हरिशंकर के अलावा लक्ष्मीपुर सीट, अब नौतनवा सीट से वीरेंद्र प्रताप शाही भी विधायक बने थे। बताया जाता है कि विधायक बनने के बाद दोनों ने अपने हाथ से अपराध करना बंद कर दिया था, लेकिन इनके लोग आपराधिक घटनाओं को अंजाम देते रहे। हरिशंकर की कहानी के बीच श्री प्रकाश शुक्ला के बारे में भी जानना चाहिए, क्योंकि वो श्री प्रकाश ही थे जिन्होंने सीएम को मारने की सुपारी ली थी। लोग बताते हैं कि 1993 में श्री प्रकाश शुक्ला की बहन के साथ छेड़खानी हो गई। श्री प्रकाश को पता चला तो उसने राकेश तिवारी नाम के व्यक्ति को सरेआम गोली मार दी। इस हत्या के बाद श्री प्रकाश का नाम गोरखपुर के हर घर तक पहुंच गया। बताते हैं कि हरिशंकर ने श्री प्रकाश को बैंकॉक भेज दिया। मामला ठंडा हुआ तो वो वापस आ गए। श्री प्रकाश को पैसा, पावर और सत्ता चाहिए थी, इसलिए उसने बिहार के सबसे बड़े बाहुबली सूरत भान सिंह से हाथ मिला लिया। ये बात हरिशंकर तिवारी को पसंद नहीं आई, लेकिन श्री प्रकाश ने इसी दौरान एक ऐसा काम कर दिया जो हरिशंकर कभी नहीं कर पाए। श्री प्रकाश शुक्ला ने 1997 में महाराजगंज के बाहुबली विधायक वीरेंद्र प्रताप शाही की लखनऊ शहर के अंदर गोली मारकर हत्या कर दी। लोग बताते हैं कि यह हत्या हरिशंकर तिवारी के कहने पर की गई। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि सबसे बड़ा डॉन बनने की चाहत में श्री प्रकाश ने यह मर्डर किया। फिलहाल इस हत्या के बाद श्री प्रकाश ने कई और अपराध किए। कहा जाता है कि उस वक्त के सीएम कल्याण सिंह की हत्या के लिए 6 करोड़ की सुपारी ले ली। इसके बाद वो सरकार की नजर में खटक गए और एसटीएफ ने उनका एनकाउंटर कर दिया। अब वापस आते हैं फिर से हरिशंकर तिवारी की कहानी पर। कभी गोरखपुर में पढ़ने के लिए किराए के कमरे में रहने वाले हरिशंकर के पास अब जटाशंकर मोहल्ले में किले जैसा घर है, जिसे वो हाता कहते हैं। इसी हाता से पूरे प्रदेश की राजनीति तय करने लगे।
1996 में कल्याण सिंह की सरकार बनी तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर बने। साल 2000 में स्टाम्प रजिस्ट्रेशन मंत्री बने। 2001 में राजनाथ सीएम बने, तब भी मंत्रालय मिला। 2002 में मायावती सीएम बनी, तब भी मंत्रालय हरिशंकर तिवारी को मिला। 2003 में सपा की सरकार बनी तो हरिशंकर तिवारी ने पासा पलटा और फिर से मंत्री बन गए। 2007 से हरिशंकर तिवारी का अस्त होना शुरू हुआ। तिवारी हर पार्टी में रहे। 1996 से जिसकी भी सरकार बनी सभी में मंत्री बने, लेकिन 2007 से उनकी सियासत खत्म होने लगी। बसपा के टिकट पर चुनाव लड़ रहे पूर्व पत्रकार और शमशान बाबा के नाम से मशहूर राजेश त्रिपाठी ने हरिशंकर तिवारी को 6,933 वोटों से हरा दिया। दो लगातार हार के बाद हरिशंकर तिवारी ने चुनाव लड़ना बंद कर दिया। हरिशंकर के दूसरे बेटे विनय शंकर तिवारी लोकसभा और विधानसभा को चुनाव हारे, लेकिन 2017 में चिल्लूपार सीट से बसपा के टिकट पर चुनाव जीत गए। अब पार्टी छोड़ दी है। सपा ने उन्हें चिल्लूपार से प्रत्याशी बनाया है। पूरा परिवार प्रचार में लगा है। नतीजे क्या होंगे ये 10 मार्च को पता चलेगा। शेयर और डाउनलोड करें दैनिक भास्कर ऐप।